आप लोग इस प्रकार राउंड अप बैक हैंड स्विंग और राउंड अप बैक फ्लिप सीख सकते हो। हाय गाइस, हाय गाइस, मैं हूं करण और ये सचिन जो वीडियो शूट कर रहा है वो सनी। तो गाइस आज इस वीडियो में आपको दो फ्लिप सिखाने वाला हूं। पहला स्टंट रहेगा राउंड अप बैक फ्लिप, दूसरा स्टंट रहेगा राउंड अप बैक हैंड स्विंग। तो आप लोग बिना डर के सीख सकते हो। चलो मैं आपको सिखाता हूं दो फ्लिप। तो गाइस यहां पर देखो, पहले स्टेप में आपको करना क्या होगा, टू हैंड कार्टव्हील करना। यहां पर देखो सचिन और मैं करके दिखाता हूं टू हैंड कार्टव्हील। तो गाइस आपको इस प्रकार इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप है, आपको करना है कार्टव्हील। जब आपके पैर हवा में रहे आपको उनको जोड़ देना है आपस में, कुछ ऐसे करके देखो, ऐसे। गाइस आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेना। गाइस यहां पर देख लो, अब आपका तीसरा स्टेप है, आपको स्टैंडिंग बैक फ्लिप आना चाहिए। आप लोग खड़े होकर बैक फ्लिप मार लोगे तभी आप लोग राउंड अप बैक फ्लिप सीख पाओगे। नहीं कर पाते हो फिर भी आप लोग सीख जाओगे, मगर आपको ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यहां पर मैं और सचिन बैक फ्लिप मार के दिखा देते हैं। तो गाइस यहां पर देख लो, आपको इस प्रकार बैक फ्लिप आना चाहिए। जब आप लोगों की बैक फ्लिप कंप्लीट हो जाती है, अब आप लोग राउंड अप बैक फ्लिप कैसे करोगे, यहां पर देखो आपको करना है राउंड अप और फिर थोड़ा रुकना है फिर बैक फ्लिप मारना है। तो गाइस जब आप लोगों का ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है, अब आपको राउंड अप बैक फ्लिप की प्रैक्टिस करना, वो भी सेफ्टी का ध्यान देते हुए। आपको करना क्या होगा, राउंड अप जब भी आप लोग मारो आपको दो तीन कदम रनिंग लेके मारना, दो तीन कदम रनिंग लेकर मारिए सचिन भाई। जब भी आप लोग राउंड अप करना तो दो तीन कदम रनिंग लेकर फिर आपको बैक फ्लिप मारना होता है। यहां पर देखो सचिन भाई मारेगा राउंड अप दो तीन कदम रनिंग लेकर। तो गाइस इस प्रकार आपको राउंड अप अब करना है। अब यहीं से आपको राउंड अप लेना है और डायरेक्ट आपको अपने हाथ ऐसे करके पीछे को कर देना होता है। आपको डर लगेगा, आप लोग सेफ्टी के ध्यान रखना। आपको राउंड अप लेना और डायरेक्ट आपको अपने हाथ ऐसे करके फिटिक देना, ऐसे करके आपको बैक फ्लिप नहीं मारना है। देखो ऐसे करके आपको बैक फ्लिप नहीं मारना है, ऐसे करके आपको बैक फ्लिप नहीं मारना। आपको डायरेक्ट जब राउंड अप लोगे वहीं से आपको अपनी बॉडी को हवा में ऊपर की ओर करना है। चलो यहां पर हम लोग ट्राई करते हैं, सीखते हैं ऐसे बिना डर के। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये है राउंड अप बैक फ्लिप। तो गाइस आपको डर लगेगा, मैं आपको दूर करने का तरीका बता रहा हूँ। और आप लोगों से यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ, एक मेरा सेकंड और थर्ड चैनल है, एक टेक्निकल का है एक एक्सपेरिमेंट का, लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लोग मेरे उस चैनल में जाइए और सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब लाइक सब कुछ आपको कर देना, लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको डर दूर करने का तरीका बताता हूँ। देखो जब आप लोग राउंड अप मारोगे डायरेक्ट आपको वहीं से ऐसे करके जंप लेना है। देखो ऐसे करके, ऐसे करके बॉडी आपको हवा में ऐसे कर देना है। आप लोग राउंड अप बैक फ्लिप नहीं मार पा रहे हो तो यहाँ पर आप लोग राउंड अप बैक हैंड स्विंग कर सकते हो, उसी को बदल सकते हो। देखो सचिन भाई राउंड अप बैक हैंड स्विंग मारेगा, मारिए। तो आप लोग इसी को चेंज कर सकते हो। एक
तो गाइस आप लोग इस प्रकार राउंड अप बैक हैंड स्पिन भी मार सकते हैं, इसे आप लोग बदल कर बैक फ्लिप सीख सकते हो राउंड अप। गाइस आप लोग देख सकते हो ये है राउंड अप बैक फ्लिप, आप लोग बिना डर के राउंड अप बैक फ्लिप सीख सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा स्टंट शुरू करने जा रहे हैं राउंड अप बैक हैंड स्प्रिंग। आप लोग राउंड अप बैक हैंड स्प्रिंग कैसे सीखोगे यहाँ पर बिना डर के मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख लो आपका पहला स्टेप है, आपको एक स्टैंडिंग बैक हैंड स्प्रिंग आना चाहिए, स्टैंडिंग खड़े होकर आपको बैक हैंड स्प्रिंग आना चाहिए तभी आप लोग राउंड अप बैक हैंड स्प्रिंग मार पाओगे। चलो यहाँ पर स्टैंडिंग सचिन भाई और मैं करके दिखा देते दोनों लोग। तो गाइस ये हो गया आपका पहला स्टेप, आपको स्टैंडिंग बैक हैंड स्विंग आना चाहिए। जब आप लोगों का ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है अब यहाँ पर भी आपको राउंड अप लेना है, वहीं से रुकना है, आपको बैक हैंड स्विंग मारना कुछ ऐसे। गाइस जब आप लोगों का ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है अब आपका तीसरा स्टेप है, आपको कुछ बैक हैंड स्विंग इस प्रकार मारना है। देखो इस प्रकार डायरेक्ट आपको यहीं से अपने हाथ को पीछे को फिटिक देना, ऐसे करके नहीं मारना है, आपको इस प्रकार मारना। देखो ऐसे ऐसे करके आपको मारना है, इस प्रकार नहीं मारना है। देखो इस प्रकार नहीं मारना, ऐसे आपको डायरेक्ट ऐसे करके अपने हाथ को फिटिक देना। मारिए सचिन भाई ऐसे करके, तो गाइस जब आप लोगों का ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है आपको राउंड अप लेना है और डायरेक्ट वहीं से आपको अपने हाथ ऐसे करके फिटिक देना होता है। करिए सचिन भाई और सेफ्टी का विशेष ध्यान देना, और जो लोग अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आपको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर देना। तो गाइस आप लोग देख सकते हो सचिन भाई कैसे राउंड अप बैक हैंड स्विंग मार रहा है, राउंड अप लेता है वहीं से डायरेक्ट अपने हाथ ऐसे करके फिटिक देना होता, आपको रुक के नहीं मारना है, ये आप लोग नहीं कर पाओगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, एक नहीं दो तीन चार मार दोगे, अभी आप लोगों को हम लोग मार के भी दिखा देंगे। और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करते रहना आ जाएगी। और मारिए सचिन भाई, तो गाइस आप लोग जब इस प्रकार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप लोगों को राउंड अप बैक हैंड स्विंग आ जाएगी, आप लोग एक नहीं 10 मार सकते हो। और हम लोग इसमें और ज्यादा मारने की कोशिश करते हैं, 2-3-4 मारने की कोशिश करते हैं। तो गाइस आप लोग इस प्रकार राउंड अप बैक हैंड स्विंग और राउंड अप बैक फ्लिप सीख सकते हो। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया है और आप लोग इस प्रकार सीख सकते हो। और जो लोग अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आपको सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।